सेशन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जहां एक तरफ पहाड़ी कम्युनिटी के लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी, उनके एक्टिविस्ट भी, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और ये जमावड़ा दिल्ली में होने लगा है। हमारे साथ हैं रफाकत एजाज साहब और मोहम्मद सादिक साहब। ये जो बिल आ रहा है पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए, हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको सेपरेट मिलेगा, आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आरडी, एएलसी, पीएसपी, आरबीए और ईडब्ल्यूएस और काफ़ी सारी कैटेगरी जिनका ये ऑलरेडी फ़ायदा ले रहे हैं, तो आज इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये एसटी स्टेटस जो है हमारे शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दिया गया था, उसी के पीछे पड़ गए। इनके पास ऑलरेडी जो है पीएसपी है, पहाड़ी स्पीकिंग जो है इनके पास रिजर्वेशन है, उसी को बढ़ा के और 10% कीजिए। अगर आपके पास 4% है उसको 10% कीजिए, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं। लेकिन ऐसी क्या हो गया कि हर टाइम आप पिछले 3 साल से जिस तरह से हम पैदल मार्च हो, चाहे हंगर स्ट्राइक हो, चाहे और भी काफ़ी सारी जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, और आने वाले टाइम में अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम अलग से कुछ जो है हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली से। रफाकत साहब, आप मुखालफत कर सकते हैं, आपका मामला है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने एक मन बनाया है और पहाड़ी कम्युनिटी के साथ साथ और भी कई गदा ब्राह्मण वगैरह को जोड़ा है, तो लेकिन जो वहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। देखिए, सियासी पार्टी जो है अपने बेनिफिट के लिए करती हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछले लास्ट टाइम में एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने एक गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जम्मू के अंदर, और उन्होंने ये बोला कि गुज्जर जो हैं ये वोट बैंक जो है हमारी जेब में है, जब ज़रूरत पड़ी हम इनको खरीद सकते हैं। और उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें जो ये बात सुनकर, उनकी स्टेटमेंट सुनकर बड़ी इस टाइम दुख में है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने 70 साल जो है सियासत की, आपका जो दामाद था वो गुजर था और आपकी जो माँ थी वो गुजरी थी, और उसी के लिए हुए आपने वो आड़ लिए हुए गुजरों को, एक गुजरों पे दाग लगाया कि गुजर जो है वो लास्ट टाइम में जो बिक जाते हैं। हम इसकी कंटेम्प्ट करते हैं इस बात को, और फारूक अब्दुल्ला साहब को इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हम दिल्ली में पहुंचे हैं और आने वाले टाइम में अगर सेशन में अगर इस तरह की कोई स्टेप लिया गया और हम पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के जितने भी जम्मू कश्मीर के सारे गुजर इकट्ठे होकर इस बार हम जो अलग से कुछ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सादिक साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से बयान आया था पिछले दिनों कि हमने तो 80 के दहाई में ही पहाड़ी कम्युनिटी के लिए एक सिफारिश भेजी थी कि सरकार उनको रिजर्वेशन दे, तो वहाँ की जो हुकूमत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को पहले भी सरकार में रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं पिछड़ नहीं रहे? देखिए सर, इलेक्शन की डेट ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है और 16 अप्रैल को इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाल दी है। अब जितनी, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी है और अगर कोई पार्टी है छोटी मोटी, ये सारी की सारी अपने वोट बैंक के लिए अब इस टाइप की, इस किस्म की बयानबाजी करेंगी। बिलखसूस फारूक अब्दुल्ला साहब ने अगर इस किस्म का बयान दिया है तो उस टाइम क्यों नहीं दिया? पहाड़ी लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आपने सिफारिश भेजी थी तो उसको कायम दायम क्यों नहीं रखा, और भेजी थी तो कहाँ है? ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट बताइए, कोई नहीं है। ये सिर्फ सियासी आपकी मुखालफत की वजह क्या है? ये हमारी मुखालफत की वजह ये है, हम पिछले 3 साल से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यह है कि 1991 में गुज्जर बकरवाल लोगों को और गद्दी सिपी लोगों को, गद्दी सिपीज को 2008 में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर से, उनको तब एससी का स्टेटस मिला, और गुज्जर बकरवाल जो हैं उनको 1991 में मिला था, और 1991 से लेके आज तक अगर तक ऑलमोस्ट 30 साल के करीब हुए हैं, और 1991 में जो बच्चा पैदा हुआ था आज तक 30 साल उससे बड़ी मुश्किल से पीएचडी ही कंप्लीट किया है ना, उसने सिर्फ इतना ही बेनिफिट लिया है, सिर्फ स्कॉलरशिप ही लिया होगा एसटी के तहत, अदरवाइज अभी उसको नौकरी नहीं मिला। 2-4 लोग अगर थोड़े बहुत 1-2% कोई पुलिस में भर्ती हो गया, 1-2 IAS हो गया, 1-2 KS हो गया, अभी हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ करवाया जा रहा है जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की हैं, जिन्होंने 47 से पहले भी राज किया, 47 के बाद भी राज किया, मिर्जाज, ब्राह्मण्स, राजपूत और गदा ब्राह्मण्स, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के दायरे के अंदर शामिल किया जा रहा है। हम इसकी कड़ी मुखालफत करते हैं और हम पिछले 3 साल से सड़कों पे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे, और जब तक सरकार
सरकार हमारे हित में कोई फैसला नहीं लेती, हम तब तक वापस पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने कपवाड़ा से पैदल मार्च स्टार्ट किया, हमें पुंछ में रोका गया और उसके बाद हमने दोबारा रजौरी शाहदरा शरीफ से पिछले दिनों एक पैदल मार्च निकाला था कि हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी पुलिस लगा के, इन्होंने अपने लोगों को लगा कर बीजेपी के लोगों को लगा कर हमारे एक्टिविस्ट जो थे उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, थानों में बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हमारे गुज्जर लोग उसके बावजूद भी आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में हम ये तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं, सरकारें अपने वोट बैंक को देखते हुए सियासी फैसले लेती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ी कम्युनिटी के लिए पार्लियामेंट में बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, तमाम पहाड़ी कम्युनिटी के लोग दिल्ली पहुंचे हैं तो साथ साथ गुज्जर बकरवाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है आमने सामने टकराव देखने को मिल रहा है, एक तरफ हिमायत की जा रही है तो दूसरी तरफ मुखालफत भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।